हाय एवरीवन वेलकम टू आई एग्जाम भी इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के नेपफिड के अंदर अकाउंट्स की जो वैकेंसी आई है उसका सिलेबस एंड रिटेल के अंदर जो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की वैकेंसी आई है उसके सिलेबस की डिटेल में बात करेंगे सिलेबस से पहले कुछ जरूरी चीज़ें देख लेते हैं जैसे एलिजिबिलिटी और डेट्स तो रिटेल में आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट पर अगर आप इस एज रेंज में फॉल कर रहे हैं और आपके पास एम फाइनेंस की डिग्री है एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है और लास्ट डेट इसकी इलेवंथ नवंबर 2023 है बात करें नैप की अकाउंट्स की वैकेंसी के अंदर तो यहाँ पे भी आपको एम बी ए फाइनेंस है तो आप एलिजिबल हो या फिर आप सी ए हैं सी डब्ल्यू हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर आपके पास मैनेजमेंट डिप्लोमा है पर स्पेशलाइजेशन आपकी फाइनेंस में ही होनी चाहिए एक पॉजिटिव बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे मिनिमम एज क्राइटेरिया ट्वेंटी वन है और मैक्सिमम थर्टी टू है तो काफ़ी सारे लोग इसके अंदर फॉल कर रहे होंगे थर्टी टू ईयर्स तक भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसकी लास्ट डेट रहेगी थर्टीन नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बात करें एग्जाम पैटर्न की तो रेलटेल के अंदर 150 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन है और 50 मार्क्स का इंटरव्यू है यहाँ पे 150 में से 100 मार्क्स का आपका प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे जिसका सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी के 50 में आपका जनरल नॉलेज न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग और एप्टीट्यूड ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे बात करें नैब अकाउंट्स की यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज में फोर्टी क्वेश्चन आएंगे जो सिक्सटी मार्क्स का वेटेज रखेंगे टोटल हंड्रेड मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर है तो चलिए अब सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं नैब अकाउंट्स के अंदर कोई सिलेबस अभी तक रिलीज नहीं हुआ है तो हमें सजेस्टिव सिलेबस पे जाना होगा सजेस्टिव सिलेबस में आप पहले अकाउंटिंग में पढ़ सकते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जैसे कि कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यानी कि मॉडर्न रूल और ट्रेडिशनल रूल अकाउंटिंग प्रोसेस का आपको अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि पूरा अकाउंटिंग होता कैसे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से लेके लास्ट में कम्युनिकेशन तक जर्नल एंट्रीज कैसे होती है उसका आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट का भी आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेड्यूल थ्री के हिसाब से कंपनीज अपनी बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट करती है उसका आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि रेशियो एनालिसिस इसका आपको काफ़ी इनडेप्थ नॉलेज होना चाहिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तो सबसे पहले आपको ए एस टू ए एस नाइन और ए एस टेन को कवर करना चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन इन ए एस से आते हैं उसके बाद आपको दूसरे ए एस भी कवर कर लेने चाहिए कोर्स के अंदर सारे ही ए एस और इंडेस कवर्ड हैं तो आई एग्जाम भी के कोर्स में सारे ही ए एस और इंडेस कवर्ड हैं पर आपको पहला फोकस इन तीन पे देना चाहिए ये कंप्लीट होने के बाद आपको दूसरे ए एस पे मूव करना चाहिए बात करें फाइनेंस की तो फाइनेंस के अंदर आपको पढ़ना चाहिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैपिटल बजटिंग का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए फिर आप इन दोनों टॉपिक्स के बाद कवर कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल टाइप्स ऑफ लेवरेजेस लाइक ऑपरेटिंग लेवरेज फाइनेंशियल लेवरेज एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आपको नॉलेज होना चाहिए बात करें कॉस्टिंग की तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा मार्जिनल कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर बीई एनालिसिस ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस मार्जिन ऑफ सेफ्टी और पी वी रेशो का कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमेशा आता है उसके बाद आप ओवरव्यू ऑफ कॉस्टिंग पढ़ सकते हैं कि कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे डिफरेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ओवरव्यू ऑफ कॉस्टिंग में आपको काफी सारी कॉस्टिंग की टर्मिनोलॉजीज सिखाई जाएंगी उसके बाद आप मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पे आ सकते हैं यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऑपरेशन कॉस्टिंग यूनिट कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग इन सारे मेथड्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल हैं इसका आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए फिर आता है आपका कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस तो कॉस्ट कंट्रोल में आपका आता है बजटरी कंट्रोल और एनालिसिस पार्ट में वो आपका आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन दोनों टॉपिक्स का भी नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है फिर ऑडिटिंग के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए देखिए एक अकाउंट्स प्रोफाइल है और अकाउंटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ऑडिटर को असिस्ट करना ही रहता है तो आपको ऑडिटिंग का भी नॉलेज इसके अंदर होना चाहिए ऑडिटिंग का बेसिक आपको पता होना चाहिए स्टैचुटरी ऑडिट इंटरनल ऑडिट

ऑडिट ऑफ कंपनीज के अंदर कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या क्या प्रोविजन होते हैं ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रिलेटेड और ऑडिटर लास्ट में अपना रिपोर्ट कैसे देता है उसका रिपोर्ट का ऑर्डर क्या होता है ऑडिट ऑफ कंपनीज में सी एंड डी वाला पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर बात करते हैं टैक्सेशन की क्योंकि आप एक अकाउंटिंग प्रोफाइल में जा रहे हैं तो आपको टैक्सेशन से बिल्कुल वेल well वर्स्ड होना चाहिए इसके अंदर आपको इनकम टैक्स के अंदर अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सारे हेड्स का स्पेशली सैलरी हेड का आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो गया टी और टी सी एस एडवांस टैक्स ये वाला टॉपिक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा टी डी एस टी सी एस एडवांस टैक्स सैलरी ये दोनों टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसके अंदर बेसिक्स ऑफ जीएसटी सप्लाई कौन कौन से तरीके होती है कॉन्सेप्ट क्या है उसका आई टी सी के प्रोविजन्स रजिस्ट्रेशन और रिटर्न रिलेटेड प्रोविजन्स भी आपको पता होने चाहिए अब बात करते हैं रिटेल के सिलेबस का जो कि गिवन है इसमें आपको बेसिक्स ऑफ फाइनेंस आने चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट का पूरा ऑपरेशन आपको समझ में आना चाहिए और अदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स इंटरनल एंड स्टैचुटरी ऑडिट दोनों का आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फ्रॉम द कंपनीज़ एक्ट परस्पेक्टिव ऑल्सो जनरल तो आपको दोनों में डिफरेंसेस पता होने चाहिए कंपनीज एक्ट उनके बारे में क्या क्या प्रोविजंस बोलता है वो भी आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कैपिटल एंड रेवेन्यू बजटिंग यहाँ पे आपका एक तो बजटरी कंट्रोल और आपका कैपिटल बजटिंग ये दोनों टॉपिक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंपनीज एक्ट के हिसाब से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या प्रोविजंस है रोल ऑफ सी इन पी तो ऑडिटिंग के अंदर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे सी ए का पी के अंदर क्या रोल रहता है उसके क्या प्रोविजन होते हैं ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और वो सारे प्रोविजन हम ऑडिटिंग के अंदर इसके पढ़ेंगे फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है शेड्यूल थ्री के हिसाब से कंपनीज एक्ट के अंदर बैलेंस शीट और पी एंड एल और सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन डेप्रिसिएशन जर्नल एंट्री फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको कवर करना चाहिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैपिटल बजटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल और थोड़े एडिशनल टॉपिक्स हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको कवर करवाएंगे कोर्स के अंदर फिर आता है आपका कॉस्टिंग और कॉस्ट रिकॉर्ड्स कॉस्टिंग के अंदर आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए और मार्जिनल कॉस्टिंग का आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए फिर इंपेयरमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर ये स्पेसिफिकली रिटेल के हिसाब से डाला गया है इंपेयरमेंट का क्या कॉन्सेप्ट रहता है और वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में कैसे ऑपरेट होता है फिर इनकम टैक्स लॉस के अंदर मैंने आपको बता ही दिया अभी इससे पहले वाली स्लाइड में कि इनकम टैक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वापस से यहाँ पर टू नाइन एंड टेन के अंदर आपको मेजर फोकस रखना है टू होता है इन्वेंट्रीज का ए एस ए एस नाइन होता है रेवेन्यू का और ए एस टेन होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इसके रिस्पेक्टिव इंडियाज भी आपको आने चाहिए जो कि आपको कोर्स में भी कवर करवाए जाएंगे फिर बात करें जीएसटी लॉस की तो जीएसटी लॉस के अंदर भी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक टू रेलटेल और कंपनीज एक्ट 2013 का आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए तो ये सारा था हमारा सिलेबस सजेस्टिव सिलेबस स्नैपिट का और रेलटेल का अब बात कर लेते हैं सैलरी की तो रेलटेल के अंदर आपका सी होगा अप्रोक्स नाइन लैक्स का और के अंदर आपका होगा का इसके अलावा आपको बोनस भी दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस बेसिस पे आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट नैप अकाउंट्स और रेलटेल दोनों का ही कोर्सेज और फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है तो आप हमारी साइट पे आ सकते हैं फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अगर आपको गाइडेंस की नीड है तो आप कोर्स भी बाय कर सकते हैं ज्वाइन आई एग्जाम भी एंड प्रिपेयर फिफ्टी फास्टर